फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका। मैं आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं राजस्थानी स्टाइल में गोंद के लड्डू ठंडी के लिए। तो आज की रेसिपी होने वाली है विंटर स्पेशल। वैसे मुंबई में तो इतनी ठंडी लग नहीं रही है, लेकिन जहाँ पे भी ज्यादा ठंडी लग रही है ना, वहाँ पे आप ये लड्डू बना के जरूर खा लेना। लेकिन अम्मी, राजस्थानी गोंद के लड्डू ऐसा क्या डालने वाले इसमें? हाँ, तो उसमें थोड़ा सा अलग रहता है, हम जैसा बनाते वैसा ही बनता है, लेकिन उसमें सामग्री कुछ अलग जाती है। इंग्रेडिएंट्स? तो, हाँ, तो वो हिसाब से वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो आज शेयर कर रही हूँ मैं राजस्थानी गोंद के लड्डू। और ये जो आज गोंद के लड्डू बना रहे हैं, इसमें बहुत से कमेंट आएगी कि कौन कौन खा सकते हैं और कौन कौन नहीं, तो ये भी बता दो पहले। हाँ, तो भाई प्रेग्नेंट लेडी नहीं खा सकती, जो स्टार्ट के 3 महीने 4 महीने बिल्कुल भी नहीं खा सकती, 5वें महीने के बाद में थोड़ा बहुत खा सकती। और बाकी सब खा सकते? बाकी बच्चे, बूढ़े, जवान सब खा सकते, सबके लिए फायदेमंद है ये। तो चलो फिर नजर मारते इंग्रेडिएंट्स पे, क्या जमी राजस्थानी स्टाइल में गोंद के लड्डू बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम सिंगाड़े का आटा, खोपरे का बुरादा, गुड़, मखाने, 4 मगर, गेहूं का आटा, अंजीर, काजू, बादाम, गोंद, अखरोट, पीसी हुई शक्कर, काली मिरी, जायफल, इलायची पाउडर और देसी घी। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी हूँ और कढ़ाई हमारी अच्छी खासी गर्म हो गई है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी घी। यहाँ मैंने 1/2 किलो घी ली हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें कितना घी लगेगा। मैंने 1/2 किलो ले ली हूँ और शायद पूरा 1/2 किलो लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं घी को। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गोंद ली हूँ, इसको हम फ्राई करेंगे आधे आधे डाल के। अब गोंद के तो फायदे आप लोगों को पता ही है, कई बार मैंने बता चुकी हूँ, हड्डियों के लिए, कमर के लिए, हर चीज के लिए गोंद फायदेमंद है, सब दर्द अच्छा करता है ना। तो सबसे पहला गोंद को अच्छे से पॉपकॉर्न के जैसा फ्राई कर लेंगे, क्रंची क्रंची हो जानी चाहिए। सर दर्द दूर करता है कि नहीं? देख रहे, सवाल देख रहे, इसका रोज का रहता है ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, वो नहीं दूर करता, नहीं बिल्कुल नहीं दूर करता। तो यहाँ पे देखो पॉपकॉर्न के जैसे मैंने फ्राई कर ली हूँ, और इसको आराम से हाथ से दबाए ना तो पॉपकॉर्न के जैसा ऐसा दब जाना चाहिए, इतना फ्राई कर लेना है हमको। माशाल्लाह देखो, इसी तरीके से मैं अभी ये पूरे 100 ग्राम फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर मेरे सारे गोंद मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, देख रहे आप लोग पॉपकॉर्न के जैसे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। और एकदम फास्ट आंच पे मैंने इसको फ्राई नहीं करी हूँ, थोड़ा धीमी आंच पे करना, ताकि गोंद अच्छे से अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रहे, ताकि वो दांतों में चिपके ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें डालेंगे 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम अखरोट। ये ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद की ले सकते हैं, जो आपको खाना है, ठीक है ना, ये अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर ली हूँ मैंने, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये क्रंची क्रंची हो जाए, है ना, काजू बादाम ड्राई फ्रूट, ताकि हम इसको पीस ले तो ये आराम से बारीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी जितना फ्राई करना था कर लिया, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब हम डालेंगे घी में मखाने। यहाँ मखाने सिर्फ मैंने 50 ग्राम ली हूँ, बाकी सारे ड्राई फ्रूट मेरे 100-100 ग्राम थे, काजू 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, खाली मखाने मैंने ली हूँ यहाँ पे 50 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर मखाने भी अच्छे से फ्राई हो गए, मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। मखाने आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़े ही मखाने ली हूँ। ऐसा तो देखो मखाने वगैरह राजस्थान वाले ज़्यादा डालते हैं या नहीं डालते मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, राजस्थानी गोंद के लड्डू का एक बेस आपको बता रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँ, नहीं तो मेरी कढ़ाई जल जाएगी। यहाँ पे मैंने डाल दी हूँ 4 मटर, ये जल्दी जल्दी उड़ने लगती है, इसीलिए इसके साथ मैं डाल दूंगी अंजीर। यहाँ पे मैं बता रही थी आपको राजस्थानी लड्डू के बेस,
तो इसका बेस जो होता है ना वो होता है सिंगाड़े का आटा, मेन रोल अदा करता है। सिंगाड़े के आटे में बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे, आप गूगल कर लेना, देख लेना, बहुत सारे फायदे होते हैं उसके, थायराइड, ब्लड प्रेशर, है ना, और वेट लॉस के भी बहुत काम आता है। तो यहाँ पे हमारी अंजीर और चार मगज भी फ्राई हो गए हैं। सिंगाड़ा क्या मच्छी का आटा? नहीं बेटा, सिंगाड़ा तो ठंडी के मौसम में एक फ्रूट आता है, हरा भी आता है और काले सिंगाड़े आते हैं जिसको कच्चा भी खाया जाता है, बॉईल करके भी खाया जाता है, उसका हलवा भी बनता है। बहुत से लोगों को पता होगा काला सिंगाड़ा, देखो गाड़ियों पे बिकने आता है, बहुत से लोग खाए भी होंगे और बहुत से जगह नहीं भी मिलता होगा, मैं ये नहीं बोली हर जगह मिलता होगा। अगर जिसको सिंगाड़े का आटा नहीं मिलेगा, आप गेहूं का आटा उसके जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने चार मगर अच्छे से फ्राई कर लिए है। अब हम इधर डालेंगे थोड़ा सा घी, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे हमारा सूखा खोपरा। अब ये लोग है ना राजस्थान वाले, ये सूखा खोपरा इसी तरह यूज कर लेते हैं, मिला लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्राई करके ले रही हूँ क्योंकि मुझे हर चीज़ है ना, लड्डू हो, पंजेरी हो, इसमें ना फ्राई चीज़ ही अच्छी लगती है, तो मैं फ्राई करके इसलिए लेती हूँ ताकि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही मिलाना है बिना भूने के तो आप मिला सकते हैं, लेकिन मैं भून के मिलाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मेरा सूखा खोपरा अच्छे से मैंने भून ली हूँ, अब हम इसको निकाल लेंगे एक बॉल में। तो यहाँ पे मैंने खोपरा निकाल ली हूँ, अब क्या करेंगे हम, गैस करी हूँ मैंने बंद, अब यहाँ पर मैं इसको पीस लूंगी। किसको? पहले यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट पूरे पीस लूंगी और ये मखाने और ये चार मगज भी पीस लूंगी और यहाँ पे मैं इसको भी थोड़े से मखाने के साथ पीस के निकाल लूंगी। अगर आप पीसना चाहे तो पीस सकते, नहीं तो आप वाटी से इसको हाथों से थोड़ा 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 बारीक कर सकते, लेकिन मैं इसको मिक्सर में पीस के निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब पीस ली हूँ, सबसे पहला मैंने गोंद पीसी हूँ मखाने डाल के, ठीक है, कितने अच्छे से पीसे गया देखो, है ना। अब यहाँ पर पीसी हूँ मैंने काजू, बादाम, अखरोट, ये पीसी हूँ मैंने अंजीर और चार मगज, और उसके बाद ये है हमारा खोपरे का बुरादा। तो मैं यहाँ पर पहले सारा का सारा मिक्स कर लूंगी क्योंकि बाकी दूसरा स्टेप भी हम यही करने वाले हैं, इसके लिए मैं इसको पहले मिला लेती हूँ। ये है अंजीर और चार मगज, ठीक है, और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे गोंद। बिस्मिल्लाह, ये सारी चीजें हम इसमें डाल दिए हैं। तो मैंने इसमें गोंद, काजू, बादाम सब डाल दी हूँ पीस के, और काली मिरी ली थी एक चम्मच, जायफल ली थी एक अक्खा, आधा जायफल और काली मिरी दोनों मैंने मिक्सर में अच्छे से पीस ली हूँ, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने ली हूँ एक चम्मच बड़ा वाला इलायची पाउडर, अगर आपको पसंद है तो डालना, नहीं है तो मत डालना, लेकिन काली मिरी जरूर पड़ता है राजस्थानी लड्डू में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिए है और कढ़ाई में घी डाली थी जो कि गर्म हो चुका है। अब हम ये एक बाटी आटा ली हूँ मैंने, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, ठीक है, इसको भी मैं अच्छे से कलर चेंज करे तक भून लेती हूँ। यहाँ पे पूरा 10 से 15 मिनट लग गया है मुझे गेहूं का आटा फ्राई करने में। यहाँ पे मैं और थोड़ा सा घी डालूंगी क्योंकि अभी जो भी हमको फ्राई करना था, गेहूं का आटा फ्राई करना था, सिंगाड़े का आटा हम सिर्फ 2 मिनट फ्राई करेंगे, उसको ज्यादा नहीं पकाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गेहूं का आटा अच्छे से फ्राई हो गया है, पूरा कलर चेंज हो गया, आटा पक चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी आधा किलो सिंगाड़े का आटा। अब ये आटा कहाँ से मिलेगा? ये मेन आटा है। हाँ मैं, ये मिल जाता है स्टोर में, मॉल में भी मिलता है, स्टोर में भी मिलता है, आराम से मिल जाता है, लेकिन एक दो दुकान में नहीं मिलेगा क्योंकि हर दुकान वाले नहीं रखते, ठीक है, लेकिन आप ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं, मॉल से भी मंगा सकते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी। कितना डाला इसमें आटा? आधा किलो, क्योंकि ना ये लड्डू का पूरा बेस ही ये सिंगाड़े का आटा और घी, ये दो चीज ही मेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट इसको भी फ्राई कर ली हूँ अच्छा घी डाल के मस्त। अभी हम ये पूरा यहाँ पे ड्राई फ्रूट में मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह,
तो यहाँ पर मैंने आटा अच्छे से भून के निकाल ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा मिक्स करके बीच में थोड़ा सा घोल बना लेंगे, खड्डा सा, कुआ सा, ताकि हम इसमें मीठा आराम से मिला सके। तो यहाँ पर मिक्स करके मैंने हल्का सा कुआ बना ली हूँ। अब इससे जो पानी आएगा, हाँ, और एकदम थाल के जैसा, एकदम ये भी मेरा कैसा कचकड़े का थाल है, तो इसके लिए मैं ये बीच में रख रही हूँ थोड़ा, ताकि हम गुड़ पिघाल के डालेंगे तो डायरेक्ट थाल पे गिरेगा तो थाल तड़क जाएगा, इसके लिए मैंने थोड़ा सा बीच में रखी हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच इसमें डालेंगे घी। आप देख रहे हैं आधा किलो पूरा मेरा घी गया है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हमारा 400 ग्राम गुड़ का पाउडर, और ये गुड़ का पाउडर है, ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसकी चाशनी बना लूंगी। आप चाहे तो वो पीला वाला गुड़ या ढेले वाला गुड़ ले सकते हैं, मगर मेरे यहाँ मिल गया तो मैंने ये ले ली। अब हम सिर्फ गुड़ पिघाले तक ही ये गैस पे रखेंगे, ज़्यादा देर इसको पकाएंगे नहीं, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, हमारे गुड़ ज़्यादा पकने की वजह से हमारे लड्डू एकदम पत्थर के जैसे कड़क हो जाएंगे और फिर उसको हथौड़ी से तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। ये हमने डाल दिया हमारा गुड़, गुड़ को चॉकलेट बना दिया माशाल्लाह। अब गैस बंद कर देंगे और अब सुकून से इसको मिला लेंगे। गरम गरम में मिला के लड्डू बनाना चालू करेंगे तो लड्डू अच्छे से और जल्दी बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा गुड़ अच्छे से मिला ली हूँ। अभी यहाँ पे अगर आपको शक्कर की थोड़ी सी भी ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप चख लेना, अगर कम लगा तो शक्कर मिला देना। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शक्कर की ज़रूरत लग रही है क्योंकि हमारे घर में ना थोड़ा सा मीठा ही पसंद करते हैं। बाकी तो देखो मैं गुड़ के बनाई हूँ हेल्दी, ताकि आप लोग बना सके, और अगर थोड़ा सा मीठा लगे तो आप शक्कर आराम से मिला लेना। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें अभी और घी ऐड करूँगी, जो आधा किलो से बच गया था ना डब्बे में, वो घी हम सारा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हूँ घी, गुड़, शक्कर, हर चीज़। अब ये आराम से हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो अब आपको जितना बड़ा लड्डू चाहिए आप उतना ले लेना, तो मैं एक मुट्ठी भर के ले रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। एक मुट्ठी का नाप रहेगा तो हमारे लड्डू सब एक जैसे बनेंगे माशाल्लाह। देख रहे हैं आप, इसमें मैं कोई ड्राई फ्रूट ऊपर से सजावट के लिए अभी नहीं लगा रही हूँ। हमने जितना डालना था, जितना इसमें पीसना था, हमने पीस के ऐड कर लिए हैं। मस्त वाला लड्डू हमारा तैयार हो गया है ना। अभी मैं इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेती हूँ। तो दोस्तों तैयार हो गए राजस्थानी स्टाइल वाले गोंद के लड्डू। भाई साइज देखो गोंद के लड्डू का माशाल्लाह, सही में देखो इतना बड़ा। हम लोग ना सुबह में एक खा लेना, एक गिलास दूध पी लेना, मैं बोलती दिन भर इंतजार खाना नहीं खाएगा। आज ना भाई मेरे से कोई पंगा नहीं लेना क्योंकि बहुत ताकत आने वाली है मेरा भी। ये इतने पावरफुल है कि मार्वल्स के सुपर हीरो भी हम लोग से लड्डू लेके जाते हैं। देख अंकल मिले थे ना ट्रेन में राजस्थान वाले, कितने थे, 70-80 साल के थे, लेकिन बोले थे। अभी देखो शक्तिमान आ रहा है वापस, तो शक्तिमान भी हम लोग से 5-6 किलो लेके गए हैं। तो इतना पावरफुल है, इसमें बहुत ज्यादा ताकत रहती है सिंगाड़े के आटे में। इसका कैसा ना बेस है, राजस्थान वाले ना बादाम पीस लेते आधा किलो, लेकिन लेंगे घी 2-4 किलो घी में ये बनता है माशाल्लाह। और देखा जाए तो उसमें सिंगाड़े का आटा, घी और गोंद, ये तीन चीज भरपूर मात्रा में होती है। और एक होता है उड़द की दाल का आटा जो कि मैंने नहीं यूज करी, नहीं तो फिर ज्यादा आटा आटा हो जाता था, मेरे बादाम पिस्ते का थोड़ा भी टेस्ट नहीं आता था। ऐसे बड़े बड़े लड्डू ना कम से कम 18-20 बने। हाँ, मैं पहले तुम बोलो माशाल्लाह। तो इसके लिए मैंने उड़द की दाल का आटा नहीं, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। और राजस्थानी लड्डू में काली मिरी पाउडर जाता है कूटा हुआ दरदरा सा,
जो मैंने ऐड करी हूँ। इसमें मैंने जायफल भी ऐड करी हूँ, इलायची पाउडर ऐड करी हूँ। अगर आपको हटाना है तो आप इलायची पाउडर और जायफल हटा सकते हैं, लेकिन काली मिरी का पाउडर इसमें रहना चाहिए। काली मिरी डाल देना तो वही मैं सोचा सालन वालन बना रहे लड्डू में, तुम काली मिरी डाल के अपनी नहीं, राजस्थान के लड्डू में पड़ता है और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। और ये दिख रहे इतने बड़े लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं है, एकदम सॉफ्ट वाले लड्डू है, एकदम नरम है माशाल्लाह। ये भी तोड़ के बिस्मिल्लाह, ये लो मैं बिस्मिल्लाह का पकड़ो भाई। ये सही में एकदम उतना एनर्जी वाले लड्डू है और ये हर कोई खा सकता है। जैसे हमें अम्मी ने बताया कि सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ के बाकी छोटा बड़ा बुजुर्ग हर कोई ये लड्डू खा सकता है। सिंगाड़े का आटा ना बहुत ज्यादा गर्म होता है तो मैं प्रेग्नेंट लेडी को नहीं बोल सकती थी खा सकते घर के, इसके लिए मैंने बोली। बाकी बहुत मस्त है, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई खा सकता है। सिंगाड़े का आटा ना बहुत सारी बीमारियों के लिए फायदा देता है, थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये पेट का हाजमा हो गया, आंतड़ियों के लिए हो गया। सिंगाड़े का आटा बहुत फायदा देता है और उसके ऊपर देसी घी, गोंद, ये सब ड्राई फ्रूट, तो फिर वो और ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। और ये खाना चाहिए ठंडियों में ना, गर्मी देता है बदन में, शरीर में ठंडियों के मौसम में। इसलिए ये राजस्थान में बनता है क्योंकि उन लोग बहुत दूर दूर तक पैदल चल के जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में ठंडी भी बहुत लगती है, जैसे अजमेर। हाँ, तो राजस्थान में ना मैं कहीं गया नहीं गया लेकिन अजमेर में बहुत बार गया और अजमेर में इतनी ठंडी लगती है ना, मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा हाई लेवल वाली ठंडी मैंने वहीं पे निकाला। और राजस्थान में ना घी भर भर के डालते हैं। अभी तो मैंने आधा किलो घी में ये लड्डू बनाई हूँ, इतना ये मेरे 2 किलो के लड्डू बने हैं माशाल्लाह, लेकिन सिर्फ मैंने आधा किलो में बनाए। अगर राजस्थान में बनाते ना वो लोग तो इसमें मैं बोलती ना सही में 1 से 1.5 किलो खाली घी में इन लोग सिंगाड़े का आटा भूनते, उतना इतना घी डालते लोग, मतलब पूरा बेस लोग घी पे रहता है, घी, सिंगाड़े का आटा और गोंद और ड्राई फ्रूट में हम लोग पूरा बारीक जैसा मैंने पाउडर कर ली ना उस तरह कर लेते हैं बादाम का पाउडर। और ड्राई फ्रूट देखो अपनी पसंद से, हाँ ड्राई फ्रूट मैंने अपनी पसंद से ली हूँ, वो आप लेना है लीजिए, नहीं लेना है हटा दीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन सिंगाड़े का आटा, घी और गोंद और एक गेहूं का आटा, ये 4 चीज तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ना चारों में ताकत है, घी में भी, सिंगाड़े के आटे में भी, गोंद में भी। आपके कमर का दर्द हो गया, आंखों का हो गया, बहुत सारी घुटने के दर्द हो गए, मतलब जिस्म की कोई भी हड्डी का दर्द के लिए ये फायदेमंद है। कितना खाना डेली डेली एक, और हाँ ये वेट लॉस में सिंगाड़े का आटा बहुत काम करता है। अगर आप एक लड्डू खा लेना तो सही में मैं बोलती ये भूख नहीं लगती दिन भर। जैसा मैंने दलिये के बारे में आपको बोली थी कि दलिया एक बाटी अगर आप खीर बना ले या नाश्ते में बना के खा ले तो उसमें भी भूख नहीं लगती। और वेट लॉस वालों को क्या चाहिए, कम खाना, वजन कम करने के लिए वो जितना हो सके चाहते कि हमको भूख नहीं लगे और हम खाना नहीं खाए और हम वेट लॉस करें, तो ये उसी तरीका है सिंगाड़े का आटा, इसमें भी भूख ज्यादा नहीं लगती। सिंगाड़े के आटे से आप हलवा बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, क्या बोलते अपना खीर बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बनती है। सिंगाड़े के आटे के पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। अरे बाप रे। तो इस वजह से मैं बोल रही ये बहुत फायदेमंद है। ठीक है, अभी तो मेरे जितना बोलना था, अगर बोलते बैठूंगी तो पूरा वीडियो और लंबा हो जाएगा। लड्डू खा लो एनर्जी आ जाएगी। लेकिन सही में बहुत बड़े बड़े बनाए हैं और सही में पावरफुल है, क्योंकि काजू बादाम इतने सारे हेल्दी चीजें गई है इसमें, तो वैसे ही ये बिना बोलते ना, बिना सोचे समझे समझ जाओ कि अपने ये हेल्दी लड्डू है। 1 से 2 महीना आप स्टोर कर सकते हैं, बिना झिझक खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उतने सारे बनाने नहीं के तुमको 2 महीना स्टोर करके रखना पड़े, ऐसे ही बनाना ताकि देखो जैसे भी अपने कितने बने, 18 से 20 बने हैं, लेकिन हमारे और दूसरी बात, हम लोग ऑर्डर नहीं लेते तो ये वाले वीडियो पे ना ज्यादातर कमेंट्स आते हैं कि क्या आप ऑर्डर लेते हो, तो नहीं हम लोग यहाँ पे बनाते ही इसीलिए कि आप भी अपने घर पे देख के बना सके और हमारा 5 किलो ऑर्डर ले लो ना,
जितना पैसा होगा हम लोग दे देंगे, मत करो भाई ऐसा, है ना। मैं तो मतलब 2-3 किलो लड्डू के 2 लाख रुपए मांग लूंगा तो कोई देगा नहीं। एकदम सॉफ्ट बने हैं, हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बोल रहे थे 1 नंबर पे को मिला था। हाँ मुझे 2-3 दिन मिले थे। प्लीज 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 रिक्वेस्ट करते, बना के भेज दो ना, हमारा ऑर्डर ले लो, किसी का मत लो लेकिन हमारा ले लो। मैं बोली नहीं, मुझे खुद के लिए बनाने के लिए टाइम नहीं रहता। और हाँ मैं ये बोल रही थी, अगर आपको कोई और ठंडी का स्पेशल लड्डू चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जरूर बना के डालूंगी। या ठंडी स्पेशल कोई और डिश चाहिए तो भी कमेंट्स करना, मैं जरूर बनाऊंगी। और जो पहली बार मेरा वीडियो देख के आगे जा रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत मेहनत लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। भाई वीडियो कैसा लगा, लड्डू कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो कब करोगे आप सब्सक्राइब, इतने बड़े बड़े अम्मी ने हेल्दी लड्डू डाल दिए, तो आप जल्दी से फटाक से सब्सक्राइब करो। और अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है या फिर हेल्दी चीजें खाना पसंद करता है तो ये वीडियो को वहां तक शेयर करो ताकि लोग अपने घर पे देख के बना सके। और एक टिप दूंगी, आप लोग अगर लड्डू नरम चाहते हैं तो गुड़ में 2-3 चम्मच पानी डाल के घोलिए, और जैसा आपका गुड़ पिघला, 2 मिनट भी नहीं रखना, गुड़ पिघला वैसी ही हटा देना। अगर आप 2-5 मिनट 6 मिनट गुड़ को पका लिए, आपके ये लड्डू पूरे पत्थर के जैसे पक जाएंगे और वो लड्डू नहीं टूटेंगे, दांत टूट जाएंगे। बोलने का मतलब ये है कि गुड़ को ज्यादा पकाएंगे तो लड्डू हार्ड हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। ये मेरी एक टिप है, अगर आप गुड़ टाइम पे निकाल लेंगे आपके लड्डू एकदम सॉफ्ट बनेंगे। माशाल्लाह देख रहे हैं आप, मैं बताती हूँ आपको, मेरे लड्डू एकदम सॉफ्ट है ना। अगर आपको सॉफ्ट लड्डू चाहिए तो आप गुड़ को ज्यादा नहीं पकाना, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।